हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आप लोगों के साथ आज आलू सीम की अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए अचार बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं किरण सेन, इंडियन ब्लॉगर के सेन मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। बड़े को प्रणाम, छोटे को आशीर्वाद। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। आई होप आप सब भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। गाइस, मैं 250 ग्राम सीम ली हूँ। सीम को धोकर और साइड से कट करके उसके छिलके हटा ली हूँ, साइड वाले छिलके, और इसे पानी में उबाल लूँगी। 50% ही इसको पकाएंगे, 50% के बाद इसे निकाल लेंगे। मैं सीम के अचार, आलू सीम के अचार के लिए 1 किलो आलू ली हूँ। आलू को उबाल कर छील कर रख ली हूँ। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। 250 ग्राम सेम ली हूँ। सीम को भी साइड से कट करके छील के इसको वॉश करके 50% तक कुक कर ली हूँ। देखिए, ये कुक हो गया है। अब मैं इसे निकाल कर रख लूँगी। देखिए देखिए, ये उबल गए हैं। इसे मैं निकाल के रख ली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बिहारी स्टाइल आलू सेम का अचार बना रही हूँ। देखिए, प्योर देसी स्टाइल में मैं 1 किलो आलू लेकर इसे उबाल ली हूँ। उबाल कर छिलके हटा ली हूँ। 250 ग्राम सीम ली हूँ, इसे भी उबाल ली हूँ। आलू को अच्छे से उबाल लेंगे, सीम को 50% तक कुक करेंगे। देखिए, दोनों को मैं ले ली हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़। देखिए, मैं सारे आलू को तोड़ ली हूँ। आप चाहें तो इस आलू को कट भी कर सकते हैं, कट करके छोटे छोटे पीसेज बना लेंगे, नहीं तो तोड़ लेंगे। मैं तो तोड़ के ही बना लेती हूँ, कट तो करती नहीं मैं। आलू और सीम दोनों को एक साथ मिलाकर रख लेंगे। फ्रेंड्स, आपके यहाँ ये अचार बनती है या नहीं, आप ये भी कमेंट करके बताएंगे बनती है तो कैसे बनती है, और आप लोग इस अचार को क्या बोलते हैं। हम लोग आलू सीम का अचार बोलते हैं। इस अचार में डालने के लिए मैं, देखिए, 2 बड़े चम्मच सरसों के पाउडर ली, बड़े चम्मच से ली हूँ क्योंकि सरसों के पाउडर से टेस्ट आते हैं अचार के अंदर। एक बड़े चम्मच हल्दी ली हूँ अच्छे कलर के लिए। अब सरसों पाउडर को स्किप नहीं कर सकते क्योंकि इसके बिना अचार अच्छे नहीं बनते। सरसों पाउडर तो आपको लेने ही होंगे। अब ये कम या ज़्यादा लेंगे वो नहीं, वो आप पे डिपेंड करती है, लेकिन सरसों के पाउडर लेने होंगे। मैं 2 चम्मच मिर्ची पाउडर ली हूँ। मिर्ची ज़्यादा तीखा नहीं है, बस कलर इसका रेड है। आप ये मत सोचिएगा कि कितनी सारा मिर्ची खाती हैं। वैसे आप मिर्ची कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन सरसों पाउडर नहीं, सरसों पाउडर तो लेने ही लेने होंगे। ये मैं अजवाइन ले ली हूँ। अजवाइन को वैसे हल्के हाथों से रगड़ के डाल लेंगे, इससे इसकी खुशबू अच्छी आती है, टेस्ट भी अच्छे आते हैं। अचार के अंदर तो डालते ही डालते हैं अजवाइन को, इसको भी स्किप आप नहीं कर सकते हैं, इसे डालना ही है। मैं 1/2 चम्मच कलौजी ली हूँ। कलौजी को भी वैसे ही रगड़ के डाल लेंगे। कलौजी चाहे तो आपको पसंद है तो रखें, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। अजवाइन तो लेना ही लेना होगा। अचार के अंदर में तो दोनों ही डलते हैं, लेकिन कलौजी को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसमें 2-2.5 चम्मच नमक डाली हूँ। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेंगे, कम या ज़्यादा कर लेंगे।
हूँ। 2.5 चम्मच इसके अंदर नमक डाली हूँ। 1 कटोरी सरसों का तेल ली हूँ, तेल में कच्चा ही ली हूँ। आप इसे चाहें तो गरम करके गरम ही तेल डाल दें, या नहीं तो गरम करके ठंडा करके डालें। अचार सरसों के तेल में अच्छे बनते हैं, इसलिए मैं तो कहूँगी आप सरसों के तेल में ही अचार बनाएं। मैं कच्चा सरसों का तेल ली हूँ क्योंकि अभी इस अचार को मैं नहीं खाऊंगी, इसे 2 दिन के बाद खाऊंगी, क्योंकि ये जब पक जाएंगे 2 दिन के बाद तब। सरसों पाउडर थोड़े कच्चे कच्चे आते हैं, तीखापन आता है उसके अंदर, कड़वाहट, तो इसे अच्छे से पकने के बाद 2 दिन के बाद इसे यूज करूँगी। इससे पहले भी मैं अचार बनाई थी तो अचार पक गए हैं, मैं आपको वो अचार भी दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अपना और अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए, ये अचार तो बन गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले के अचार ये बने हुए हैं, कितने अच्छे, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।